पूजा खेड़कर के मुझे अकेले कमरे में बुलाते थे आरोप पर भड़के पुणे कलेक्टर सुहास दिवासे, बोले बकवास बेतुकी बात। पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है, उनके भविष्य की परीक्षाओं में भाग लेने पर रोक लगा दी गई। यूपीएससी ने महाराष्ट्र कैडर की 2022 बैच की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी है, भविष्य में किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर भी रोक लगा दी। यूपीएससी ने कहा कि आयोग ने रिकॉर्ड की पड़ताल की है और उन्हें सीएससी 2022 के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। इधर कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूजा खेड़कर ने पुणे के मौजूदा कलेक्टर पर यौन उत्पीड़न का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पूजा खेड़कर का आरोप है कि उन्हें जिला कलेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं आरोप पर जिला कलेक्टर सुहास दिवासे ने इसे नॉनसेंस करार दिया है। सुहास दिवस ने कहा कि पूजा खेड़कर उनके ऊपर बेतुके आरोप लगा रही है, सभी आरोप मनगढ़ंत हैं। इधर दिल्ली की एक अदालत धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में आरोपी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत अर्जी पर 1 अगस्त को फैसला सुना सकती है। सुनवाई के दौरान खेड़कर ने अदालत से कहा कि एक अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगला ने बुधवार को खेड़कर द्वारा दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। खेड़कर की ओर से पेश वकील बीना महादेवन ने अदालत से कहा, मैंने खेड़कर ने उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए मेरे खिलाफ यह सब हो रहा है। यह सब जिला अधिकारी के इशारे पर हो रहा है जिनके खिलाफ मैंने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। उस व्यक्ति ने मुझे एक निजी कमरे में आकर बैठने को कहा। मैंने कहा कि मैं एक योग्य आईएएस हूं और मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्रिम जमानत का अनुरोध कर रही हूं। दिवासे ने कहा कि पूजा खेड़कर 3 से 14 जून तक जिला कलेक्टर कार्यालय से अटैच थी। इस दौरान वह पूजा खेड़कर से महज 3 बार मिले। यह मुलाकात आधिकारिक थी और इस दौरान अन्य अधिकारी और वकील भी मौजूद थे। दिवासे ने कहा कि उनकी पूजा से कभी भी अकेले मीटिंग नहीं हुई और ना ही उन्होंने पूजा से कभी अकेले कोई बात की। 14 जून के बाद उन्हें संभागीय आयुक्त के कार्यालय से अटैच कर दिया गया था। जिला कलेक्टर दिवासे ने कहा कि पूजा खेड़कर ने वहां अपनी पोस्टिंग के दौरान कोई आरोप नहीं लगाया था। उन्होंने कहा, राज्य सरकार को लिखे अपने पत्र में मेरे पत्र के जवाब में उन्होंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया था। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उत्पीड़न का मुद्दा तभी उठा जब वह वाशिम गई और बाद में सोच समझकर इस तरह के आरोप लगाए। उन्होंने ऐसा क्यों किया यह सब जानते हैं।